मंजी साहिब के बाहर सिख जत्थेबंदियों का रोष प्रदर्शन। मामला 328 पावन स्वरूपों के लापता होने का। शिरोमणि कमेटी के कर्मचारियों व जत्थेबंदियों में हुई झड़प। आज सिख जत्थेबंदियों की दीवान हॉल मंजी साहिब के बाहर एसजीपीसी के कर्मचारियों के साथ झड़प हुई। सिख जत्थेबंदियां 328 पावन स्वरूप लापता होने के मामले में रोष प्रदर्शन कर रही थी। वे मंजी साहिब के अंदर जाना चाहते थे, जिसे लेकर कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोका गया, जिस कारण उनकी हल्की झड़प हुई। इस उपरांत सिख जत्थेबंदियों ने मंजी साहिब के बाहर ही धरना लगाकर शांतिपूर्वक ढंग से वाहेगुरु जी का जाप किया। जत्थेबंदियों की मांग थी कि पावन स्वरूप लापता मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पंजाब दे वक् वक् हिस्सों चों संगतां संकेतिक रूप दे विच मंजी साहिब दीवान हाल दे बाहर बैठ के 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप, जिहदा कि हिसाब किताब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संतुष्टी वाला नहीं दिता, जिहड़ी जांच डॉक्टर ईश्वर सिंह दी टीम ने कीती, वो जांच भी अधूरी है। वो डॉक्टर ईश्वर सिंह ने एक गल एक्सेप्ट कीती है, प्रवान कीती है कि ये जो जांच कीती गई है ये अधूरी रह गई है समय दी घाट करके, और उन्होंने ये भी गल प्रवान कीती कि वो अपनी एक महीने दी जांच दे दौरान किसी भी सियासी धिर ते किसी भी सियासतदान नूं उन्हां नूं भी जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लिहाजा जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 328 स्वरूपां का संतुष्टिजनक सानू जवाब नहीं मिलिया, तो देश विदेश दीआं संगतां दे विच इस गल का बहुत वड्डा रोस सीगा। तो कुछ जत्थेबंदियां ने इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया कि 14 सितंबर वाले दिन इतिहासिक दीवान मंजी हॉल दे विच जा करके असी पंथक इकट्ठ करांगे, संगतां नूं बुला करके अगले प्रोग्राम दी मोर्चे दी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन तुसी वेख सकते हो कि असी इस वेले बिल्कुल दीवान हाल मंजी साहिब के बिल्कुल सामने बैठे सतनाम वाहगुरु का शांतमय रूप के नाल जाप कर रहे हैं, और दीवान हाल मंजी साहिब भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के तानाशाही रवैये कारण ये भी बंद करता गया है। आज सवेरे इत्थे पावन हुक्मनामे की कथा की गई और उसके बाद इस नूं सील करता गया, बंद करता गया, जिहदे नाल कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के लापता स्वरूपों का इंसाफ लैण लई जिहड़े जागदी जमीर वाले इत्थे आके इकट्ठे होए ने, ये आ करके किधरे साडे कोलों हिसाब किताब मंगण लई ये इकट्ठे ना होण।